फंक्शनल थ्योरी। तो फंक्शनल थ्योरी में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसमें फंक्शनलिस्ट ट्राई करते हैं प्रूव करने का कि जो भी सोसाइटी में भेदभाव है, जो लेयरिंग है, स्ट्रैटिफिकेशन है, वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, मतलब वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो वो होता है फंक्शनलिस्ट, जो लोग बोलते हैं कि ये सोसाइटी में होना अच्छा है। तो इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल थ्योरी। उसके बाद जो मेनली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है वो इसके यहाँ से है और यहाँ से है। ये दो थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ, टालकन पार्सन्स का अप्रोच से और ये डेविस मूर से, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और डेविस मूर का क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं बुक से, लेकिन उसके पहले एक बार इसका समरी देख लेते हैं। तो जहाँ तक टालकन पार्सन का थ्योरी है, टालकन पार्सन के थ्योरी में की है कि जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी और कॉपरेशन इन द सोसाइटी है, वो इसलिए है क्योंकि जो सोसाइटी है वो वैल्यू कंसेंसस के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो भी सोसाइटी में जो भी सारा काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सोसाइटी के डिसाइडेड वैल्यूज़ के ऊपर ही हो रहा है, इसलिए सोसाइटी में ऑर्डर है, स्टेबिलिटी और कॉपरेशन है। फिर सेकेंड है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो फ्रॉम म्यूचुअली एक्सेप्टेड वैल्यूज से है। मतलब जो भी एक्सेप्ट म्यूचुअल हो गया, एक्सेप्ट हुआ उससे के कारण है। फिर थर्ड है देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एज हाई प्लेस इंडिविजुअल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्सेंसस, देयर इज नो, मतलब कोई भी जहाँ पे भी ये कंसेंसस को फुलफिल किया जाएगा वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं क्योंकि सोसाइटी से वो डिसाइडेड होके हुआ है। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग बिटवीन डिफरेंट स्ट्रैटिफिकेशन दैट ऑफ कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, मतलब इंटरडिपेंडेंस है जो भी ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग है दो स्ट्रैटिफिकेशन के बीच में। फिर जो पावर मिलता है, पावर डिफरेंसेस जो है वो लेजिटिमेट सोर्सेस आ रहा, मतलब जो ये जो डिफरेंसेस हो रहा स्ट्रैटिफिकेशन से, वो जो है डिफरेंसेस जो हो रहा है वो लेजिटिमेट अथॉरिटी, मतलब लेजिटिमेट अथॉरिटी मतलब लॉ एंड ऑर्डर से टू अचीव द सेट गोल्स ऑफ द सोसाइटी। और दस, जो भी ये स्ट्रैटिफिकेशन है ये इनएविटेबल पार्ट ऑफ हर सोसाइटी का, मतलब किसी भी सोसाइटी में वो रहेगा ही और ज़रूरी है, फंक्शनल है सोसाइटी में। इसका क्रिटिसिज्म है कि लोग को लगता है कि ये सोसाइटी को ब्रेक कर देता है, डिवाइड करता है और इंटीग्रेट नहीं करता। तो ये हुआ पहले का वैल्यू कंसेंसस, ये इलाबरेट करके अभी हम लोग देखते हैं ना। और वैसे डेविस एंड मूर का थ्योरी इससे भी आया, इसका समरी देख लेते हैं। तो इसका समरी है रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस के ऊपर मेनली रहता हूँ। तो इसमें है कि वन ऑफ द फंक्शनल प्री रिक्विजिट फॉर सर्वाइवल ऑफ सिस्टम एंड इफेक्टिव एलोकेशन और रोल मस्ट बी फुलफिल्ड, मतलब ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो ये बेसिक प्रोपोजिशन है उसके अंदर का पार्ट है, ये उसके अंदर में यही दिया हुआ है जो बेसिक है, चार चार चीज़ उसमें दिया हुआ है। और रोल मस्ट बी फुलफिल्ड, मतलब जो भी जैसे हो गया डॉक्टर का रोल, टीचर का रोल, पुलिस का रोल, लॉयर का रोल, तो सार रोल फुलफिल हो जाना चाहिए, कोई भी रोल खाली नहीं रहना चाहिए, सारा रोल जो है ये हुआ नंबर वन। नंबर टू है ऑल रोल मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द बेस्ट, मतलब बेस्ट आदमी ही टीचर बनना चाहिए, बेस्ट आदमी ही लॉयर बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो लॉयर बनना चाहिए था वो टीचर बन गया, जो टीचर बनना चाहिए था वो लॉयर बन गया। फिर वो लोग का होना चाहिए ट्रेनिंग, लॉयर हो जाए तो भाई उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचर को भी पढ़ाना आना चाहिए, और उसको वो ऐसा है कि सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद अपना काम ठीक से कर रहा है, ये नंबर फोर है, एफिशिएंटली कर रहे हैं, ये नंबर फोर है। और ऑल सोसाइटी मस्ट हैव सम मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, मतलब जो ये चार चीज़ है ये चीज़ करने के लिए हर सोसाइटी में
मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर रोल एलोकेशन इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तभी तो बटेगा, कोई पुलिस बन जाएगा, कोई लॉयर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई IAS बन जाएगा। फिर है हायर, इसमें ना ये बताता है कि हायर रिवॉर्ड्स फॉर सर्टेन पीपल इज नेसेसरी फॉर ग्रेटर मोटिफिकेशन। तो फिर कोई भारी काम करने जाएगा नहीं, कोई न्यूरोसर्जन क्यों बन के जाएगा इतना पढ़ाई करके, जब रिक्शा वाला को भी सेम सेम तनख्वाह मिल रहा है और न्यूरोसर्जन को भी इतना सेम तनख्वाह मिल रहा है, कौन पढ़ेगा मोटा मोटा बुक फालतू का। तो इसलिए डिफरेंशियल रिवॉर्ड इज नेसेसरी, न तो आदमी का मोटिवेशन ही नहीं रहेगा ना, हम क्यों मोटा बुक पढ़ने जाए फालतू का जब रिक्शा चला के मेरा काम चल जा रहा है। तो और क्राइटेरिया टू मेजर इम्पोर्टेंट पोजिशन इज फंक्शनली यूनिक और इंटरडिपेंडेंट, मतलब हम लोग को जैसे कोई चीज़, और ये हायर रिवॉर्ड किसको मिलेगा, जिसको जो जिसका पोजिशन फंक्शनली यूनिक रहेगा और डिपेंडेंट रहेगा, मतलब कितना लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है और कितना फंक्शनली यूनिक है। मान लो कोई रिक्शा वाला है तो उसका फंक्शनली कहाँ कोई यूनिक है, कि आदमी ज़्यादा रिक्शा वाला है नहीं कंट्री में तो अब दिक्कत हो जाएगा, तो वैसा तो है नहीं, कोई भी रिक्शा वाला ऐसे बिना कोई पढ़ाई लिखाई के रिक्शा वाला बन सकता है, और डिपेंडेंस भी नहीं है लोग उसके ऊपर, दूसरा रिक्शा वाला मिल जाएगा क्या डिपेंडेंस है। और लेकिन अगर कोई न्यूरोसर्जन है तो फिर न्यूरोसर्जन है तो फंक्शनली यूनिक है, ज़्यादा न्यूरोसर्जन ऐसे मन चाहे कल सुबह उठे न्यूरोसर्जन नहीं बन सकते, लेकिन रिक्शा वाले ऐसे बन सकते हैं। डिपेंडेंस भी जिसका भी काम है वो उसी से काम लेना पड़ेगा, इसलिए डिपेंडेंस हो। और दस फंक्शनली नेसेसरी सोल्यूशन टू प्रॉब्लम फेस बाय ऑल सोसाइटी, ये है इसका, ये हो गया, ये ख़त्म, ये फंक्शनल यही बात करता है, ये चार चीज़ वो जो बताए वो है, चार चीज़ की हर चीज़ हर रोल फुलफिल हो जाना चाहिए, बेस्ट लोग ही करना चाहिए आफ्टर ट्रेनिंग, और अच्छे से करना चाहिए एफिशिएंटली। फिर उसका क्रिटिसिज्म, तो इसका थ्योरी का डेविस एंड मूर का थ्योरी का क्रिटिसिज्म यहाँ पर है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेविसन बाई टूमेन, जो टूमेन है मेन, ये इसको क्रिटिसाइज करता है। तो ये बोलता है इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन, ये बताता है क्वेश्चन दी एडवोकेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ दी फंक्शनल इंपॉर्टेंट पोजिशन, मेनी पोजिशन ऑक्यूपेशन आर लेस रिवॉर्डिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी, कांट से इफ डॉक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन फार्मर्स, मतलब कौन सा पोजिशन इंपॉर्टेंट है कौन सा पोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो कैसे हम लोग बता सकते हैं। फार्मर्स खाना नहीं ग्रो फूड ग्रो नहीं करेगा, ग्रेन्स ग्रो नहीं करेगा, तो डॉक्टर खाना कैसे खाएगा, तो डॉक्टर ज़्यादा है कि फार्मा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कैसे पता चलेगा। तो ये एक ये है, फिर ये है पावर एंड रिवॉर्ड, इन्फ्लुएंस एंड बार्गेन ऑल्सो प्ले इन रोल विच इज इग्नोर्ड बाई ये डेविस एंड मूर। तो जैसे कोई इनफॉर्मल लेबर है और एक फॉर्मल लेबर, तो फॉर्मल लेबर के पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है क्योंकि उसके पास प्रॉपर डिग्री विग्री सब है, उसको काम करना सब कुछ आता है, लेकिन इनफॉर्मल को भी सब कुछ आता है लेकिन उसके पास डिग्री है तो उसको बार्गेनिंग पावर उसका ज़्यादा है, तो इसलिए उसको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा जबकि दोनों सेम काम कर रहा होगा। और फिर यहाँ पे टैलेंट पुल, डेविस एंड मूर सेड ओनली मोस्ट टैलेंटेड पीपल विल ऑक्यूपाई पोजिशन, नो इफेक्टिव मेजरमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टैलेंट, मेजरमेंट ऑफ टैलेंट टैलेंट मतलब टैलेंट को हम लोग कैसे मेजर करें वो उसका कुछ पैरामीटर है नहीं कि टैलेंटेड लोग ही ऑक्यूपाई किया वैसा। फिर वो डेविस एंड मूर बोलता है मोटिवेशन मोटिवेट्स टैलेंट, ठीक है। जहाँ तक टूमेन का बात है वो बोलता है कि ये जो मोटिवेशन का फैक्टर है जहाँ तक बैरियर का काम करता है टू मोटिवेट एंड ऑल्सो सर्टेन ग्रुप फ्रॉम स्टेटस ग्रुप एंड इम्पोज बैरियर फ्रॉम ये फ्रॉम एंटरिंग हाई रिवॉर्ड। अब जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम देख लो, तो कास्ट सिस्टम में बैरियर लग जाता है कि एक कास्ट का आदमी दूसरा कास्ट का काम नहीं करेगा, वो अपने कास्ट का काम करेगा, और जैसे
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दिखाई देता हूँ। टीवी बॉटम और का थ्योरी था इन स्टडी ऑफ एलिट्स एंड सोसाइटी, उसमें देखा गया था, वो ब्रिटेन और फ्रांस को स्टडी किया था, तो वहाँ देखा था कि सिविल सर्वेंट्स के ही बच्चे ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं, मतलब वो लोग एक तरीके से फेवरिज्म कर रहा था, एक तरीके से यहाँ पे नेपोटिज्म देखा जा रहा था, तो वो एक तरीके से बैरियर भी कर सकता, बैरियर जैसा एक्ट। फिर एक यहाँ पर है इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, हिंड्रेंस बन जाता है वो उसके लिए, ये क्रिटिक है उसका। और इस कारण से जो भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा है, कम रिवॉर्ड दे रहा है, उसकी वजह से सोसाइटी में डिवाइड हो जा रहा है, जिसके कारण नॉट इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया क्रिटिक, एक तरीके से हम लोग पूरा चैप्टर का समरी जो था, मेन चीज़ हम लोग उसको पढ़ लिए। सिर्फ इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट ले ले तो उसका काम बन जाएगा, हाई क्वालिटी पे स्क्रीनशॉट ले लेना तो काम बन जाएगा एग्ज़ाम में, पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब पूरा चैप्टर देख लेते एक बार। तो फंक्शनल लिस्ट यही बोलते रहते हैं कि सब ज़रूरी है, ये तो ऑब्जेक्टिव कोई काम का है नहीं, इंट्रोडक्शन में क्या बोलेगा ये लोग, कुछ नहीं कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी और पीस ज़रूरी है और उसे के लिए फंक्शनल है, फंक्शनल व्यू डिफरेंस इसमें कुछ खास है नहीं इंट्रोडक्शन में। चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होगा, डिफरेंट ऑक्यूपेशन ये सब फालतू चीज़ें। फिर फंक्शनल थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी सब कि हायर रैंक्ड आदमी को सुपीरियर का स्टेटस मिलता, नेसेसरी है फॉर दी सोसाइटी, फंक्शनल मतलब नेसेसरी फॉर दी सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट प्रूफ करेगा कि जो चीज़ हो रहा है वो नेसेसरी फॉर दी सोसाइटी है, इनइक्वालिटी ऑकर्स जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी इनइक्वालिटी एंड व्हेन दे आर नेसेसरी फॉर दी सोसाइटी। तो यहाँ पे वही वर्कर और मैनेजर का बात करेगा कि वर्क फॉर एग्जांपल वर्कर और मैनेजर नीड टू रन सोसाइटी, नो फैक्ट्री कैन एग्जिस्ट ओनली विद वर्कर्स एंड ये मैनेजर्स, हेंस मैनेजर आर इंटीग्रेटर फॉर ये सेम टाइम, ये फालतू चीज़ लिख दी है, कहानी लिख दी है, सब पता। अभी जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में PYQ वो यहाँ से फिर। तो टाल्किन पार्सन द बिग प्रॉब्लम, ही बिलीव दैट ऑल सोसाइटी एग्जिस्ट बिकॉज, बोल रहे हैं कि सोशल सिस्टम एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा आदमी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता। और सेकेंडली फर्स्ट ये बोल रहा है और सेकेंड में बोल रहा है कि सेम बाउंड्री में इंटरैक्ट कर रहा है, और या तो इंटरैक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक दूसरे का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लास्ट में वो ये बोल रहा है। पहला तो तीन से ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कॉमन बाउंड्री एग्जिस्ट इन कॉमन बाउंड्री, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है और एक दूसरे का बिहेवियर वो कर रहा है, ये कोई खास है नहीं ऐसे बताते हैं। जो मेन था वो स्टार्टिंग में बता दिया, मेन फिर से आ जाएगा यहाँ पे कि इन आवर डेली लाइफ बिहेवियर वो सब इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर ऑफ अदर्स, फॉर एग्जांपल हाउ यू स्पीक टू योर फादर, सब कहानी इतना लिखता है बच्चा लोग पढ़ेगा क्या दिमाग एग्ज़ाम के पहले। तो यहाँ से बेसिकली यहाँ से इम्पोर्टेंट आ रहा है कि रूल ऑफ बिहेवियर एक तरीके से हो गया है, सब लोग सीख गया है सोसाइटी में कि पापा से कैसे बात करते हैं, फादर से कैसे बात करेंगे, कॉमन कंसेंसस हो गया है जिसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं, और ये जो वैल्यू को जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो रिजल्ट होगा नॉर्म्स पे, मतलब कैसे इस वैल्यू को प्रैक्टिस किया जाता है उसका एग्जीक्यूशन पार्ट को एक्शन विच रिजल्ट इन द रिजल्ट ऑफ दिस वैल्यू, एग्जीक्यूशन को हम लोग नॉर्म्स बोलते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू और नॉर्म्स जो है वो एवरी सोसाइटी का बहुत डिफरेंट हो सकता है,
क्योंकि सबका नेसेसिटी अलग है. एवरी सोसाइटी नीड्स स्टेबिलिटी, कॉमन फैक्टर है, और सबका अलग अलग पर्पस है, बेस्ट सूटेड पर्पस. अब देखो जो वैल्यू कंसेंसस और स्ट्रेटिफिकेशन बताया था वही आ गया इधर, बेस्ड ऑन वैल्यू कंसेंसस एंड. तो वैल्यूज आर शेयर्ड बिलीव, सो द बेस्ट मीनिंग थ्रू सम स्टेबल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए होता है, और कुछ नहीं बोलना. यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट आ गया, पर्सन स्टेट दैट स्ट्रेटिफिकेशन इज रैंकिंग दैट रैंकिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ सोशल सिस्टम इन अकॉर्डेंस टू कॉमन वैल्यू सिस्टम. कॉमन वैल्यू के कॉमन कंसेंसस. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू सिस्टम विच क्रिएट स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी आर मोर ऑफन डिफ्रेंशिएटेड इन स्ट्रेटा एज जस्टिफाइड इन द वैल्यू सिस्टम. फिर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द सोशल वैल्यू फॉर बेटर रिवॉर्ड, मतलब जो भी सोशल वैल्यू है उस हिसाब से करोगे काम तो बेटर रिवॉर्ड मिलेगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया राजपूत का, ब्रेव, जैसे वो लोग हाई वैल्यू दिखाया था ब्रेवरी, हर सोसाइटी में माना जाता है ब्रेवरी को, तो वो लोग को हाई रिस्पेक्ट दिया गया था ट्रेडिशनली, अभी भी हाई रिवॉर्ड मिल रहा है. हाई रिवॉर्ड अगर तुमको मिलेगा, अगर तुम जो सम क्वालिटीज़ को हाई रिवॉर्ड अभी भी मिलेगा, किसी को लो क्वालिटी दे झूठ बोलोगे तो कम रिस्पेक्ट मिलेगा, सच बोलोगे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा. मॉडर्न सोसाइटी में भी, मॉडर्न सोसाइटी का क्या है, अभी इंडिविजुअल का वैल्यू पे, इंडिविजुअल का अचीवमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. मान लो अभी तुम एग्ज़ाम दोगे एम्स का तो नहीं दे सकते, लेकिन मान लो और तुम्हारा फादर रिक्शा पुलर है, तुम एम्स का एग्ज़ाम दिए और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो बस इंडिविजुअल का मेहनत के ऊपर तुमको समाज में तुमको हाई रिस्पेक्ट मिलेगा, बेटर रिवॉर्ड होगा. ही प्रूव्स हिज मेरिट प्रूव किए तुम एम्स में गए तो मिला तुमको. तो यहाँ समराइज करते कि एसेंशियल है, वैल्यू कंसेंसस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर इनएविटेबल, मतलब हर सोसाइटी में हो गई, और सोशल सिस्टम इज हैज़ बीन अ राइट एंड प्रॉपर फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, और कॉन्फ्लिक्ट मे ऑकर बिटवीन रिवॉर्ड फॉर दोज हु आर रिवॉर्डेड एंड थ्रेट द एग्जिस्टिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ चेक बाई ई एम. फालतू चीज़ मेनली जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे वो उसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे. और डेविस एंड मोरे का थ्योरी, डेविस एंड मोरे का थ्योरी में इसका एक ये है, एग्जाम में लिख लेना, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ये कोट कर देना, हाईलाइट कर देना, तो उसको लगेगा कि भाई बच्चा कुछ पढ़ वढ़ के आया है. और इसका जो थ्योरी है इसको फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इनक्वालिटी भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से इनक्वालिटी को बताते हैं कि इनक्वालिटी ज़रूरी है सोसाइटी में और इनएविटेबल पार्ट है ऑफ एवरी सोसाइटी. इनक्वालिटी नहीं रहेगा तो कोई मेहनत ही नहीं करने चाहेगा, मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए सबको, तभी तो सब मेहनत करेगा, ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी मिलता है. नेक्स्ट में देखे तो वही पुलिसमैन और टीचर आर्टिस्ट सब हो जाना चाहिए. अभी हम लोग पीछे देखते हैं इंडेक्स में, तो ये फंक्शनल स्ट्रेटिफिकेशन बता रहा है. तो फंक्शनल स्ट्रेटिफिकेशन वो चार पॉइंट देता है कि पहला कि ऑक्यूपेशन नॉट, यहाँ पे वही बता रहा है जो पहले बताए थे कि ये पहला कि सारा पोजीशन फिल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग आदमी नहीं आ जाना चाहिए, कि कोई है आर्टिस्ट और बन गया पुलिसमैन तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी हो जाएगा. तो वो एक है कि सारा पोजीशन
मस्ट फिल हो जाना है, पहले तो सब फिल हो जाना चाहिए। सेकंड में बता रहा है मोस्ट कॉम्पिटेंट या बेस्ट आदमी भरना चाहिए उस सीट को। और फिर इसका बोला जो बेस्ट आदमी सेलेक्ट हुआ है मस्ट बी ट्रेंड, जो बताया तीसरा ट्रेंड। और चौथा कि वो उसको अपना काम एफिशिएंटली करना चाहिए। तो अब फंक्शनल फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ऑल सोसाइटी मस्ट ऑल सोसाइटी नीड टू बी मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग द बेस्ट पर्सन, ये भी बता दिया गया है। इफ़ ऑल पर्सन आर गिवन सेम रिवॉर्ड देयर विल बी नो मोटिवेशन फॉर पीपल टू वर्क हार्डर, जो कि ऑब्वियस सा बात है, रिक्शा वाला और न्यूरोसर्जन। एंड देयर मस्ट बी अ टेंडेंसी फॉर टेकिंग अ बर्डन, वही न्यूरोसर्जन कौन जाके नस पस काटने जाएगा, दिमाग ख़राब होगा फालतू का, और रिक्शा टान लेगा सब। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है इट मोटिवेट्स पीपल टू फुलफिल सर्टेन पोजिशन, और सेकेंड रिवॉर्ड इक्वालिटी मस्ट बी इवन, अन ईवन होना ही चाहिए तभी वो चीज़ जाके भरेगा। इन मॉडर्न सोसाइटी जो है इसको माना जा रहा है काफ़ी ज़्यादा कि इनइक्वालिटी हो इनइक्वालिटी जो है होना चाहिए, स्किल के बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनली जो था इंडियन सोसाइटी में कास्ट की वजह से हो जा रहा था, कास्ट की वजह से था। तो वही कास्ट का लिख दो कि यहाँ पे वो भर दिया है कास्ट का कि कोई सुपीरियर वर्क नहीं कर रहा था, मतलब ब्राह्मण लोग अपना टीचिंग ही कर रहे थे जो भी, और शूद्र लोग अपने काम कर रहे थे, तो सब अपना काम कर रहे थे, कोई एक दूसरे का उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था। और यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे हम लोग पढ़े ऑल पोजीशन इन एवरी सोसाइटी आर ऑफ द सेम फंक्शनल, मतलब न्यूरोसर्जन और जो रिक्शा वाला सेम है, नहीं है फॉल्स। लिमिटेड पीपल कैन परफॉर्म फंक्शनली इम्पॉर्टेंट पोजीशन, ट्रू। हाँ, न्यूरोसर्जन का मैं इम्पॉर्टेंट वो कम है और लिमिटेड है तो वो अपना कर ले। नो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन, न्यूरोसर्जन ऐसे ही सुबह उठो न्यूरोसर्जन बन सकते तुम, फॉल्स बस हो गया। बेसिक प्रोपोजिशन ऑफ डेविस एंड मूर, तो डेविस एंड मूर का क्या है, सर्टेन पोजिशन आर फंक्शनली मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, ऑब्वियस सब आते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज मोस्ट प्रेशियस, ठीक है। IAS जो लोग होता ओनली लिमिटेड पीपल आर हैव नेसेसरी मेरिट एंड टैलेंट, IAS का एग्ज़ाम में 10 लाख लोग अप्लाई करता और कुछ सेलेक्ट होता सर। फिर इन सर्टन केसेस जो भी ट्रेनिंग रहता है इंटेंसिव रहता है, इन्वॉल्व सेक्रीफाइसेस, जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 1 साल तक तो उनका एग्ज़ाम ही चलता है, तो उस कारण से उनको हायर सोशल प्रेस्टीज मिलेगा और फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा। बस यही है, पर्सन मेरिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हर बर्थ, मतलब एस्क्रिप्शन बेस्ड जो है बेस्ड जो है नहीं, अचीवमेंट बेस्ड। फिर इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ, ये सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगा अगर ये सही से नहीं होगा। अब ये ब्रैकेट में ये इम्पोर्टेंट है, डेविस एंड मूर नोट दैट कुड बी डिफिकल्ट फॉर डिसाइड विच कौन सा भाई ज़्यादा फंक्शनल है, वो फार्मर ज़्यादा फंक्शनल है कि डॉक्टर ज़्यादा इन फंक्शनल है, तो वो चीज़ है प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग कौन सा फंक्शनली मोर इम्पॉर्टेंट है। यही उनके एक वीकनेस है थ्योरी का, जो बाद में क्रिटिक लोग हाईलाइट करेगा।
यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे कि ए इंजीनियर, यहाँ पे इतना इंजीनियर और ए वर्कर का समझा देते हैं डॉक्टर और नर्स से, कि डॉक्टर नर्स का काम कर सकता है, नर्स डॉक्टर का काम नहीं कर सकती। यही लिखा हुआ यहाँ पे, पढ़ लेना। वो इंजीनियर और वर्कर से समझाए, स्किल्ड वर्कर से, तुम डॉक्टर और नर्स से समझ लो कि यही चीज समझाए। और क्रिटिसिज्म ऑफ ये थ्योरी, तो क्रिटिसिज्म यही है। पहला तो अकॉर्डेंस टू बर्थ बेस किसी किसी में दे देता है इंडिया जैसा सोसाइटी में, फिर उसको ठीक किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या क्या कर कर गया। फिर यहाँ पे टू मेन क्रिटिसाइज करता, वो बोलता है सब जरूरी है, जो वर्कर सोसाइटी में काम कर रहा था और जो मैनेजर काम कर रहा था, दोनों जरूरी है। और वो ये भी बोलता है कि अगर सारा वर्कर चला जाए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन एक दिन अगर मैनेजर चल जाए तो प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, प्रोडक्शन चलते रहेगा। तो वो बोल रहा था कि वर्कर लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब वैसा नहीं बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था कि सब सब जरूरी, सब जरूरी है। फिर यहाँ पे बारगेनिंग पावर जो हम लोग उसमें पढ़े, पावर एंड रिवॉर्ड वाले में, तो वो बोल रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इन ऑर्गेनाइजेशन पावर, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज बेटर पेड बिकॉज, और सोशल सिक्योरिटी भी ज़्यादा है क्योंकि वो लोग के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, जबकि बोथ सेक्टर है सिमिलर वर्क। ठीक है, फिर ये है चैलेंजेस टू जस्टिफाई हायर रिवॉर्ड इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेनिंग, नॉट नेसेसरी हैव न्यू लर्निंग एंड गेन नॉलेज, मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई ज़्यादा ट्रेनिंग किया तो ज़्यादा तुमको स्किल भी ला गया होगा। वो बोल रहा है, और बोल रहा है कि टैलेंटेड पीपल ज़रूरी नहीं है कि उससे आए, सब चीज़ों को ज़रूरी है ही नहीं। फिर वो बोल रहा था कि नेपोटिज्म का यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जो हम स्टार्टिंग के वीडियो में एक्सप्लेन किए, और बोल रहा था कि सबको एक्सेस नहीं है इम्प्रूव द नॉलेज, तो इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू, चलो बाय।